रामनवमी प्रिंस गिरी सर, सभी आते जय नाम सुन लीजिए एक बार, जय कुमार गिरी, प्रिंस गिरी, लक्की गिरी, हरिलाल गिरी, नीतेश गिरी, शिखा गिरी, अर्चना गिरी, प्रीति गिरी और महिमा गिरी, ये सभी लोग यहाँ साइड में आ जाएं, यहाँ किनारे खड़े हो जाएं। देखा जी जो 60% पहले तो साइड में आ जाए इधर, और उसे कम वाला लोग इधर आ जाए ताकि छटले में आसानी हुई। देखिए सत्यम गिरी आप इधर आइए, सत्यम नहीं है तो अभिजीत गिरी, सन आप स्वर्गीय श्री सत्यवान गिरी जी इधर आइए, आप अभिजीत गिरी हैं, सत्यम गिरी, अभिजीत कहाँ रह गए भाई, आइए अभिजीत जी, और प्रांजल गिरी, सन आप श्री सागर गिरी, आप भी आइए इधर ही, और राम प्रवेश गिरी, सन आप श्री प्रहलाद गिरी, आप भी इधर आ जाइए, आप सभी लोग बहुत बड़े मेधावी हैं, आपको हम हृदय से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आगे बहुत कुछ आगे तक जाएंगे। मणिशंकर गिरी, सन आप श्री ओम प्रकाश गिरी, आप भी आइए इधर, और 81 जैस्मिन गिरी, सन आप श्री बलवंत गिरी, ये भी 81% जैस्मिन गिरी, सन आफ श्री बलवंत गिरी, गांव में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले, 81% नंबर ला करके उन्होंने टॉप किया है, जैस्मिन आप जैस्मिन गिरी, पुत्री श्री बलवंत गिरी, बिटिया को हमारा बहुत बहुत आशीष, और पूरे मन से हम अपनी बैजू बाबा का प्रार्थना करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं कि बिटिया बहुत नाम रोशन करे। घनश्याम गिरी जी, जैस्मिन गिरी को आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार दे रहे हैं, और जितने लोग, और मुस्कान गिरी भी आ जाए, पुत्री श्री अरुण गिरी, आदिति गिरी, पुत्री श्री उमा शंकर गिरी, आप भी आ जाइए, मुस्कान गिरी कहाँ, अच्छा मुस्कान आ गई, मुस्कान गिरी, पुत्री श्री अरुण गिरी, 66% नंबर के साथ लाए, तकलीफ पास हुई है, आदिति नाम है, हाँ आदित्य गिरी, पुत्री श्री उमा शंकर गिरी, दसवीं में इनका 64% नंबर आया है, बहुत बहुत बधाई, बाकी सभी लोगों के एक साथ हो गया है, और देखिए 70% नंबर लाने वाले जय कुमार गिरी, हाई स्कूल के जो 60% वाले उनके, जय कुमार गिरी, पुत्र श्री बलवंत गिरी, 70% नंबर, ये भी अपने क्लास में टॉपर है, बलवंत जी के बच्चे टॉपर है, बलवंत खुद ही टॉपर है सबसे ज्यादा, ग्रुप में जय के नाम से लिखे हैं, बीरू कहाँ गए, अच्छा चलिए ठीक है थोड़ा मजाक, अच्छा हाँ शिखा गिरी, पुत्री श्री दीपक गिरी, 64% नंबर पाने वाली शिखा, आपको बहुत बहुत बधाई, आगे इसी तरह ऊंचाइयों के शिखर पर 64% के बाद आप आगे 70% से ज्यादा नंबर लाए, ये हमारी शुभकामना, और अर्चना गिरी, अर्चना गिरी, पुत्री श्री वीरेंद्र गिरी, और मानी श्री मास्टर जी के हाथों से, प्रीति गिरी, पुत्री श्री मार्कंडे गिरी, आप आइए, इनका 60% नंबर है, बहुत बहुत बधाई, महिमा गिरी, पुत्र श्री मुनिवर गिरी, 60% नंबर इनका भी, आप आ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, अब बाकी लोग जो रह गए 60% से नीचे वाले उनको और ज्यादा बोलेंगे, और इनको भी बहुत बहुत बधाई है, सबसे ज्यादा खुश तो यही लोग थे
क्योंकि पास हो गए जितना खुशी इनको होती, बीच वालों को कोई खुशी नहीं होती। या तो जो टॉप करता उसको खुशी होती है, जो नीचे वाला सोचता है पास हो गए। चलिए लोगों को और ढेर सारी बजाई और खूब जोरदार तालियां बजाई, हर मुकाम पर लोग पास होते रहे, चाहे नंबर भले कम आए लेकिन फेल कभी ना पास हो, यही हमारी दुआ है। चलिए इसी के साथ आइए, सबसे पहले हम बुलाते हैं के बुलाई रोहित गिरी की है। रोहित गिरी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुत्र श्री सदानंद गिरी और सत्यम गिरी, रोहित गिरी 55% और सत्यम गिरी श्री मुनिवर गिरी आइए 55% नंबर है। अरे नंबर नहीं बताना, हाँ सत्यम जी आइए, नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से आ जाइएगा। विवेक गिरी सन ऑफ श्री राम दरस गिरी 53% यूपी बोर्ड से सभी लोग हैं। अच्छा स्वरूप गिरी सन ऑफ श्री राजेश गिरी, अगर है तो आइए जल्दी से स्वरूप जी। क्या स्वरूप नाम है आपका? क्या नाम? विवेक। हाँ विवेक गिरी पुत्र श्री राम दरस गिरी। अच्छा जैस्मिन गिरी श्री बलवंत गिरी, अरे तो हो गया ठीक है, सब कर हो गया। अच्छा निधि गिरी कहीं है, आ गई कि नहीं अभी? अरे वाह बधाई हो, आइए आइए, हम तो रात से इंतजार कर रहे हैं निधि जी का। चलिए आइए, हमारी भतीजी संतोष की बेटी है, ये है 59%। चलो बाद में बोल दिया, अभी आजमगढ़ से सीधे आ रहे हैं। तो अब माया गिरी पुत्री श्री प्रभंस गिरी 58% नंबरों के साथ, आपको बहुत बहुत बधाई। सुस्ती के साथ मत चलिए, स्पीड में आप चला कीजिए और जीवन में स्पीड लाइए, यही हमारी शुभकामना है। अंजलि गिरी पुत्री श्री लाल मोहन गिरी, अंजलि गिरी कहाँ है आइए, आपको बहुत बहुत शुभकामना है। आगे आप 12वीं में 88% नंबर लाए, बैजू बाबा का आशीर्वाद आपको ऐसा मिले, यही हमारी शुभकामना है। और ज्ञानवेंद्र गिरी परसेंटेज के चक्कर में ये पीछे रह गए बेचारे, हैं अभी फर्स्ट डिवीजन, लेकिन इनका कहाँ गए भाई ज्ञानवेंद्र जी। सन ऑफ श्री पिंटू गिरी जी, आप यही पास में कहीं होंगे आइए जल्दी से। नहीं है। चलिए कोई हमारे समझ से लगता है सब लोग हो गए, अगर कोई बच्चा छूट गया हो तो अपना नाम आकर बता दें। यहाँ तीन लोग है अभी, तीन लोग तीन कहाँ गए? लीलाधर हरिलाल आओ, हरिलाल कहाँ पीछे छूटा था। हरिलाल गिरी सन ऑफ श्री स्वर्गीय श्री प्रकाश गिरी जी, हमारे भतीजे हैं हरिलाल जी। और भाई कब प्रिंस हुआ? प्रिंस गिरी सन ऑफ श्री अरविंद गिरी, आप आइए। लक्की लक्की और प्रिंस दोनों यह है ना। अच्छा लक्की गिरी है, लक्की गिरी स्वर्गीय श्री पंडा गिरी। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्रिंस गिरी दुबई चले गए हैं, हम फिर भी उनके बदले में डायरिया दे देते हैं, क्योंकि अकेले ही हो। अच्छा भाई का नाम तो है अभिषेक गिरी, अभिषेक गिरी जी को दिया जा रहा है डायरी, इसके लिए अभिषेक जी का भी स्वागत कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानवेंद्र के घर में कोई है तो आ जाए भाई, कोई बच्चा हो कोई उनके माता पिता जी आ जाए। अच्छा एक लोग मिसिंग, ज्ञानवेंद्र के जगह पर आप ही आ जाइए भाई। ज्ञानवेंद्र के जगह पर आप ही आ जाइए। अरे ज्वाला गिरी कहाँ रह गए भाई, ज्वाला लड़की है, ज्वाला जी आइए, ज्वाला देख लीजिए ज्वाला। अरे नितिशोक बोल रहा है, कोई बात नहीं, कभी जी उससे थोड़ा सा टिक मारते जाइए आप। देखिए कोई देखे सब पूरा हो गया। अच्छा आइए, ज्वाला गिरी उत्तरी श्री रामानुज गिरी और नितेश गिरी रह गए हैं। नितेश गिरी कहाँ है आइए,
बेटा इज बैक। ये नाम बोला गया था, आप लोग पीछे थे। नितेश गिरी सनाब आपी सनाब श्री नरेंद्र गिरी श्री नरेंद्र गिरी अब क्यों कोई भी छूटा हो बच्चा तो अपना इस आ करके अपना ले जाए। जो लोग दसवीं बारहवीं पास किए हैं निसंकोच आकर के मंच पर अपना पुरस्कार ले जा। एक ही बाकी है, सारा भी सारा उठ गया है, सारा बांटा जा चुका है। स्वरूप गिरी पुत्र श्री राजेश गिरी नहीं है तो आप ही मतलब कोई भी परिवार में आकर के ले जाए। अरे इसी को दे दीजिए स्वरूप वाला, ये है नहीं इसके घर में। स्वरूप गिरी उर्फ सोलू पुत्र श्री राजेश गिरी कहीं घूम रहे हैं, उनके बदले में उनके भ्राता भाई हैं, उनके भाई को फ्रेंड है, फ्रेंड को दे दिया गया है। अब हमारे समझ से पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हो चुका है, अब अध्यक्ष भाषण होगा। हेलो, अभी आप लोगों ने देखा, सबसे पहले एक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लड़कों से ज्यादा जो है हमारे परिवार की बच्चियों ने सबसे ज्यादा जो है नंबर पाया और मेरी भी सबसे ज्यादा रही। जो अगले साल कार्यक्रम होगा इसमें इसको थोड़ा सा परिमार्जित किया जाएगा, इसमें हम 70% से ऊपर लड़कों को 75 के ऊपर, उसके बाद हर एक क्लास के बच्चों को उसमें थोड़ा सा संशोधन होगा। 12th, 11th, 9th, 10th, 9th, 8th, उसके बाद जो हर एक क्लास के लड़कों को उसमें शामिल किया जाएगा। जो बच्चे अपने ये तो अपने इसकी थी यूपी बोर्ड के बच्चे थे, यूपी बोर्ड में भी इसमें तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ, नकल का तो कोई गुंजाइश नहीं है। सीबीएसई वाले बोर्ड के भी लड़कों को जो बच्चे छोटे हैं उनको भी अगले साल से इसमें जोड़ा जाएगा, हमने निवेदन किया है, जो अगले साल जो समिति होगी इसमें जोड़ा जाएगा। मैं दो आप लोगों के आशीष वचन के रूप में सुनाऊंगा। बने फूल सब सूल मार्ग के राह सरल हो तेरी बच्चों, बने फूल सब सूल मार्ग के राह सरल हो तेरी, तू न थके मंजिल थक जाए यही कामना मेरी। दूसरी बात मैं बच्चियों के ऊपर थोड़ा ये करना चाहता हूँ, जितने इसमें जितने बच्चियों के पिता हैं मैं खुद हूँ और मैंने अपने बच्ची को MBA कराया है और वो नौकरी पेशा है, नौकरी करती है। जिनके भी बच्चे स्पेशल बच्चों से ज्यादा बच्चियों का मैं अनुभव मुझे है, मैं जब जाता हूँ अपने बच्ची के पास, वो पैर पे अगर बच्ची जो खड़ी है, जब उसके घर आप जाइए, जब उसका आप उस परिवार में उसकी इज्जत देखते हैं, उसका सम्मान देखते हैं, उसके डिसीजन पावर देखते हैं, जो बच्ची नौकरी करती है घर में उसका क्या स्टैंड है, उस समय माँ बाप को इतनी अच्छी खुशी होती है। और मुझे उम्मीद है जो भी बच्ची के पिता हैं, बच्ची को दूसरा मत मानिए, बच्ची ज्यादा बच्चों से आपकी सेवा करेगी। मैं माता पिता से ही निवेदन करता हूँ, बच्ची को भी उतना ही पढ़ाइए जितना बेटे को। बेटी आपकी दो दो घर संभालती है, बेटी जब आप अच्छे घर में है, जब अच्छे से है जाते हैं वहां, तो बच्ची बोलती पिताजी मैं आपके लिए क्या लाऊं। मेरी बेटी जब जाता हूं तो अगर उस पर टाइम नहीं है तो वही जो है बुक कर देती है खाना हमारे पहुंचने से पहले। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बेटियों को इतना अच्छा आप ये दीजिए, प्यार दीजिए, उसको पढ़ाइए। ये नहीं है कि आपके ऊपर भार है, उसको ये नहीं कि आपने अगर बच्ची पैदा हो गई तो आप उसको बस यही सोचो जैसे बड़ी हो जाए तो उसकी शादी कर दें, नहीं, उसको बेटी से ज्यादा मान सम्मान दीजिए और उसको पैर पे खड़ा करने की कोशिश कीजिए। स्कूल अब करीब हो रहे हैं और जहां भी पढ़ेगी अभी बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं है। धन्यवाद। श्री बलजू बाबा के द्वितीय वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री अमरनाथ मंचासीन श्री महान का सभी समस्त ग्रामवासी
एक बार आप प्रेम से गगन भेदी नारा बैजू बाबा का लगाइए, एक बार प्रेम से बोलो श्री बैजू बाबा की, श्री बैजू बाबा की। एक है हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे, भूल कर मत भेद सब, भूल कर मत भेद सब, भूल कर मत भेद सब, हम मिलकर सभी रहेंगे, आगे को बढ़ते जाएंगे, नई जागृति नई चेतना नौ संकल्पों का संचार करो, नई जागृति नई चेतना नौ संकल्पों का संचार करो, आपस में मिलकर सभी, आपस में मिल बैठ सभी, सभी समस्याओं का समाधान करो, बैजू बाबा के बन सजो, बैजू बाबा के बन सजो, ऐसी लोग आई झूम उठे बगिया बगिया का हर कर, झूम उठे हर कर बगिया का, बाज उठे सहनाई, बैजू बाबा के अगले, बैजू बाबा के अगले वार्षिकोत्सव की शुभकामनाओं के साथ मैं आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। सारे नौजवानों से अनुग्रह कर रहा हूँ कि कोई